गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट एंड दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर एंड टुडेज टॉपिक इज एसी इन एलसीआर सीरीज सर्किट। नाउ एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट, एल स्टैंड्स फॉर इंडक्टर मींस इट इज अ कॉइल हैविंग इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस एल, C means capacitance of the capacitor and R means resistance and three components are connected in series. Students, you know that whenever the components connected in series, so all the components will have the same current. Now, before going to this topic, we have to go through two small topics related to the L circuit means inductor circuit and C circuit means capacitor circuit. Yesterday lecture number 2 we have gone through that when AC pass through resistance circuit, the alternating EMF and alternating current are in same phase, and in that derivation we have found that both having the phase omega t. In inductor circuit, when AC pass through the pure inductor circuit, the alternating EMF leads the current by phase pi by 2, means current is lagging behind by phase pi by 2 radian. In capacitor circuit, when AC pass through capacitor circuit, the alternating current leads the alternating EMF by phase pi by 2. Now, today we will connect all three components in series assembly and then find what is the nature of AC. Before going to this topic, we are going to the inductive reactance and capacitive reactance. So, kal wale topic mein, कल वाले लेक्चर में हमने देखा था एक टर्म आई थी XL, XL का मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, और दूसरी आई थी XC यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक, तो पहले बात करते हैं XL की, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो वहाँ हमने देखा था I नॉट इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा L, दिस ओमेगा L हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस, यानी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो करंट हैविंग द यूनिट एम्पियर, एंड इन द राइट हैंड साइड ई नॉट इज बोल्ट, वेयर एज इन डिनोमिनेटर फैक्टर शुड हैव द यूनिट ओम, राइट। तो दिस इज लाइक अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड दैट इज XL इक्वल टू ओमेगा L। नाउ व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी, तो वी कैन राइट दिस ओमेगा एज 2 पाई एफ, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सी। नाउ वी कैन फाउंड दैट एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। नाउ 2 पाई इज कॉन्स्टेंट एंड एल इज कॉन्स्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर इंडक्टर, किसी भी इंडक्टर की जो इंडक्टेंस होती है वो फिक्स होती है, तो वी कैन से दैट XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। इट मीन्स इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इंक्रीजेज, द इंडक्टिव रिएक्टेंस आल्सो इंक्रीजेज। नाउ व्हाट शुड बी द ग्राफ बिटवीन XL एंड F? दैट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, F इन द X एक्सेस एंड XL इन Y डायरेक्शन, then the graph will be a straight line like a Ohm's law graph. Ohm's law में V is directly proportional to I होता है, V किधर को रखते हैं? Y axis में, I को X axis में, तो graph आता है एक straight line, but that straight line is not parallel to any axis, right? So this is the variation of XL with frequency. Now go for the XC, that is capacitive reactance. Now capacitive reactance, in capacitor circuit we have written that I naught is equal to E naught divided by 1 by omega C. This 1 by omega C
सी हैविंग द यूनिट ओम, इट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ठीक, तो इट मे बी रिटन एज 1 बाई ओमेगा सी. नाउ ओमेगा इज 2 पाई एफ, राइट, तो वी कैन राइट दैट एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एफ सी. इट मीन्स एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ. तो इसका जो ग्राफ आएगा वो बॉयल्स लॉ की तरह आएगा. बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी. तो जैसा बॉयल्स लॉ का पी और वी डायग्राम आता उसी तरीके से यहाँ पे एक्स सी और एफ के बीच में ग्राफ आएगा, एंड दिस ग्राफ इज लाइक दिस, राइट. तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ एक्सएल एंड एक्स सी विद फ्रीक्वेंसी. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें एक चीज और बता दूँ कि डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है. अगर डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो हुई तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा डीसी के लिए, जीरो. दैट इज फॉर डीसी ओनली. मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डीसी की, डायरेक्ट करंट. तो इसका मतलब जब भी डीसी किसी कैपेसिटिव सर्किट में जाएगा तो उससे पास ही नहीं हो पाएगा. यानी इट ब्लॉक्स द डीसी सिंस द सॉरी एफ इज जीरो सो एक्स इज इनफाइनाइट. इफ एक्स इज इनफाइनाइट इट मीन्स करंट कैन नॉट पास थ्रू द दिस कैपेसिटर सर्किट. तो कल हमने गूगल मीट वाली क्लास में बताया था कि डीसी कभी कैपेसिटर से पास नहीं हो पाती. अब चलते हम अपने असली टॉपिक की तरफ, वह है एसी इन एलसीआर सीरीज सर्किट. ठीक है, एलसीआर सीरीज सर्किट. नाउ देयर आर थ्री कंपोनेंट, एल यानी इंडक्टर, सी मीन्स कैपेसिटर एंड आर मीन्स रजिस्टर. तो इंडक्टर की इंडक्टेंस हो गई एल, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी और रजिस्टर की रजिस्टेंस आर होगी. एल सी आर सीरीज सर्किट तीनों सीरीज में जुड़े. जब भी करंट इससे पास होगी तो इंडक्टर में वही करंट जाएगी जो कैपेसिटर में जा रही है और जो रजिस्टर सर्किट में जा रही है. तो ऑल हैविंग सेम करंट, राइट. कल हमने आपको तीन चीज़ें बताई थी कल वाले टॉपिक में. यहाँ पे हमने ईएमएफ अप्लाई किया, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इससे करंट पास होगी. जब इस पर करंट पास होगी तो यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, दैट इज वी एल. ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर. कैपेसिटर के अक्रॉस आएगा वी सी, दिस इज वी सी अक्रॉस कैपेसिटर. और रजिस्टर के अक्रॉस आएगा वी आर, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर. अब अगर ये डीसी होता तो हम कह देते ई इक्वल टू वी एल प्लस वी सी प्लस वी आर. ठीक है, लेकिन कल की गूगल मीट वाली क्लास में हमने कहा था कि ऑल द अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड करंट हैविंग द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, ऑल दो दे आर स्केलर क्वांटिटीज बट इट शुड बी ट्रीटेड एज वेक्टर क्वांटिटी इन एसी. जब भी हम एसी की बात करेंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंसेस होंगे और जो करंट्स होंगे उन्हें हम एज ए वेक्टर ट्रीट करेंगे. वेक्टर्स नहीं है लेकिन वेक्टर की तरह ट्रीट करने पड़ेंगे. अगर ये वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे तो ई इज नॉट इक्वल टू वी एल प्लस वी सी प्लस वी आर, क्योंकि ये ए सी है. तो ई इज नॉट इक्वल टू वी एल प्लस वी सी प्लस वी आर, तो फिर कैसे होगा. तो हम क्या करेंगे, इन तीनों वेक्टर का सम कर देंगे. वी एल वी सी और वी आर का वेक्टर सम करेंगे एंड दैट वेक्टर सम विल बी इक्वल टू द ई. वेक्टर सम वो होगा ई के इक्वल, क्योंकि अब इनके अंदर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज आ गई है इन एसी अल्टरनेटिंग करंट. डीसी के लिए होता तो हम कहते थे ई इक्वल टू वी एल प्लस वी सी प्लस वी आर, लेकिन यहाँ जो है उनमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज हैं इसलिए ई वेक्टर सॉरी ई इज नॉट इक्वल टू वी एल प्लस वी सी प्लस वी आर. फिर से एक सेंटेंस दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वी एल वी सी वी आर वैक्टर क्वान्टिटीज नहीं है, लेकिन क्योंकि इनके अंदर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज हैं इसलिए इनको वैक्टर ट्रीटमेंट दिया जाता है, राइट. तो द अप्लाइड ई एम एफ अपियर्स वोल्टेज ड्रॉप वी आर वी एल वी सी अक्रॉस आर एल एंड सी रिस्पेक्टिवली, राइट. अब जो तीन चीज़ें कल गूगल मीट वाली क्लास में बताई थी, इन आर सर्किट करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज. दोनों का फेज अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ का वो था ओमेगा टी, यानी वो सेम फेज में होते. दूसरी चीज़ क्या बताई थी,
अब ये करंट को ड्रॉ किया बेटा हमने, करंट को किसी एक डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस, तो वी आर भी उसी डायरेक्शन में चला गया क्योंकि रेजिस्टेंस सर्किट में वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडक्टर सर्किट की। इन इंडक्टर सर्किट करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई पाई बाई टू, यानी इंडक्टर सर्किट की जो वोल्टेज है यहाँ पे जिसको हम कह रहे हैं वी एल, वो करंट जो है उससे पीछे चल रही है, या यूं कहें कि इंडक्टर सर्किट में वोल्टेज आगे चलता है, इसका मतलब वी एल आगे चल रहा है और कितने से चल रहा है पाई बाई टू, तो हम पाई बाई टू का फेज लेते हुए वी एल को ड्रॉ करेंगे। सी दिस इज द वी एल, आप देख रहे हैं एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में गया है, इसका मतलब पाई बाई टू इज पॉजिटिव, तो वी एल हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब देखते हैं कैपेसिटर वाले का वी सी का क्या होता है। नाउ इन कैपेसिटर सर्किट करंट लीड्स द वोल्टेज बाई फेज पाई बाई टू, सी सर्किट में यानी कैपेसिटर सर्किट में करंट लीड करती है, इसका मतलब वोल्टेज क्या हो जाता है पीछे रहता है, या तो यूँ कहेंगे करंट आगे बढ़ चलता है, या यूँ कहेंगे वोल्टेज पीछे चलता है, कितने फेज से पाई बाई टू, तो वी सी किधर ड्रॉ करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज नेगेटिव पाई बाई टू क्लॉक वाइज में डायरेक्शन। ठीक, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि वी एल इज ग्रेटर देन वी सी, हम कुछ देर के लिए मान के चलते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो इस वेक्टर को हमने बड़ा बनाया है वी एल को, वी सी को छोटा बनाया। अब ये तीन वेक्टर आ गए वी आर वी एल वी सी, वैक्टर नहीं है इनको, हम वैक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इन तीनों का जो सम होगा वो ई के इक्वल होगा। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए वी एल और जो वी सी था उसे नेगेटिव बना दिया, ऊपर की डायरेक्शन में ड्रॉ करके माइनस वी सी कर दिया। ठीक है, तो आपके पास अब कितना आएगा, ये वी एल माइनस वी सी, और दूसरा वैक्टर क्या है वी आर, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला तो वो ई के इक्वल निकला। नाउ दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, वी कैन राइट इट ई इज इक्वल टू रूट वी आर स्क्वेयर डिवाइड प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वेयर, तो ये आ गया आपके पास रिजल्टेंट। ठीक है, और जो टू ए बी कॉस थीटा होता है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, वी आर और इसके एंगल के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो जीरो हो गया, तो E निकल के आ गया हमारे पास, E इज इक्वल टू रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये आ गया वोल्टेज यानी ऑल्टरनेटिंग ई एम एफ। अब देखते हैं करंट क्या होगी, करंट इज इक्वल टू ई एम एफ डिवाइडेड बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। कैसे, देखो वी आर को हम लिख सकते हैं आई आर, वी एल को क्या लिखेंगे आई इंटू एक्स एल, और वी सी को क्या लिखेंगे आई इंटू एक्स सी, सबसे आई कॉमन आ जाएगा, आई स्क्वायर जब बाहर निकलेगा आई बचेगा, तो आपके पास बन के आ गया ई डिवाइडेड बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, दिस इज द करेंट। तो दूसरी चीज़ हमने क्या निकाली, करेंट। अब तीसरी चीज़ हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का मतलब होता है ये टोटल रेजिस्टेंस, देखिए ये है एम्पियर आई, ये है बोल्ट, तो नीचे क्या रह जाएगा ओम, यानी एक तरीके का रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस तीनों का कंबाइंड है, रेजिस्टर का भी कैपेसिटर का भी और इंडक्टर का भी, इसे कहा जाता है इम्पीडेंस। जेड का मतलब इम्पीडेंस ऑफ एल सी आर सीरीज सर्किट। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट आर स्क्वेयर, अब एक्स एल की जगह आ गया ओमेगा एल, और एक्स सी की जगह क्या आ गया वन बाई ओमेगा सी। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इम्पीडेंस। ठीक, इसको अगर मुझे ये एंगल पता करना हो फाई, दिस फाई यानी फेज, तो ये क्या आएगा टेन थी, टेन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है वी एल माइनस वी सी, बेस क्या है वी आर, तो मैं लिखूंगा वी एल माइनस वी सी डिवाइडेड बाई वी आर, फिर यहाँ लिखूंगा मैं जहाँ पे वी एल आया आई इंटू एक्स एल, यहाँ लिखूंगा आई इंटू एक्स सी, यहाँ लिखूंगा आई इंटू आर, तो आर कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब फाई इज इक्वल टू आ गया आपके पास टेन इनवर्स ऑफ एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।